हार्दिक स्वागत है साथियों। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज यहां भारत रत्न हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म दिवस है। अटल जी के जन्मदिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे बहुत सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा एज ए सोशल वर्कर के नाते, सोशल एक्टिविस्ट के नाते हमारे बीच काम करते हैं, श्रीमान चमनलाल रैना जी जो बैंक के रिटायर अधिकारी हैं, और उनके साथ साथ श्रीमान रमेश जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्टर रिटायर्ड हैं, केव सिंह जी, धर्म पाल जी, विजय कुमार जी, ललित रैना जी, पंकज रैना जी, सुरेंद्र कुमार जी, चमनलाल जी, सतपाल सिंह जी, अंकित सूदन जी, अभिषेक रैना जी, साहिल सूदन जी, सुभाष चंद्र जी, सौरभ रैना जी और श्रीमान केतंकर जी, कुमार जी, कीर्तन जी, सतवीर सिंह जी जो खालसा जी, मैं सभी सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो लोग समाज के अंदर प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, जो तन मन धन से गरीब लोगों की मदद करते हैं, समाज के लिए अपना पूरा जीवन जो लगाकर पूर्ण श्रद्धा से निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता श्रीमान चमनलाल रैना जी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। मैं हृदय की गहराइयों से श्रीमान चमनलाल रैना साहब का धन्यवाद करता हूं और इन्हें और इनके साथियों को भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक वेलकम करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, वेलकम वेलकम। और इनके जो फॉरेस्टर साहब जोरदार तालियों के साथ जी आप हमारे राजा जी धर्मपाल जी जो राजा के नाम से मशहूर है, शाबाश, बहुत बहुत आपको बधाई है, मुबारक है आपको, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत आपको मुबारक, तालियां 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 बजाइए, बहुत बहुत तालियों के साथ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश मुबारक है आपको, एक मिनट।
तुसी थोड़ा तुसी भाग के पीछे आ जाओ पीछे आओ। तो एक ही करके ले ले मेरे को धोखा दो। रतन पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी में समाज के प्रबुद्ध जनों ने, समाज सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बैंक से रिटायर अधिकारी श्रीमान चमनलाल रैना जी, फॉरेस्टर श्रीमान रमेश जी, केदार सिंह जी, धर्मपाल जी और उनके तमाम साथियों ने आज अटल जी के जन्मदिवस के इस पावन उपलक्ष पर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं हृदय से श्रीमान चमनलाल रैना जी, रमेश जी, केदार सिंह जी, खालसा जी और उनकी सारी टीम और युवा वर्ग को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने आज से देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से करने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। ये हम सब के लिए, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि समाज के अंदर जो सामाजिक लोग हैं, जो तन मन धन से देश और समाज की सेवा में लगे रहते हैं, जो हमेशा निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा करते हैं, ऐसे श्रीमान चमनलाल रैना जी अपने साथी सहयोगियों सहित आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से श्रीमान चमनलाल रैना जी, रमेश फॉरेस्टर जी, केदार सिंह जी, खालसा सरदार जी और सभी नौजवानों का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके प्रयासों से यहां देश समाज में भारतीयता, राष्ट्रीयता मजबूत होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्य विस्तार जम्मू कश्मीर में और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मैं अपनी शुभकामनाओं सहित श्रीमान चमनलाल जी को निवेदन करूंगा कि वो आपके समकक्ष अपनी बात रखें। धन्यवाद राणा साहब। सबसे पहले आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी कि आज अटल जी के जन्म जयंती पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका, जो युग पुरुष रहे हैं। मैं ब्रीफ में इतना ही कहूंगा कि हम बैंक में कार्य करते थे तो वहां भी मोदी जी की नीतियों का समर्थन करते थे, लेकिन बीइंग ए एम्प्लॉय हम जो कर सकते थे किया, लेकिन हमने पहले ही मन बना रखा था कि जो ही रिटायर होंगे और समाज सेवा के लिए हम मोदी जी समर्थन करेंगे और उनका स्लोगन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी पथ पे कार्य करेंगे। और मैं श्री रविंदर रैना जी को, पठानिया साहब को एक विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी टीम एक कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह तन मन से समाज का कार्य करेगी और आप हम पे विश्वास कर सकते हैं कि आज के बाद हम बीजेपी की नीतियों को समाज के हर कोने कोने तक ले जाएं।